बोले बुलाओ जी बुलाओ बीननी का भाई ने बुलाओ। बोले महाराज बीननी का भाई की कहीं जरूरत है? बोले थाने जचच कर बुलाओ पर जल्दी बुलाओ बार द्वार की बस जबड़ी गीत बनावाना तो बाबू बोल गए पंडित जी ने देखे बापण कहीं डायलॉग देख सी पंडित जी बोले लुगाई कहीं दीता फाट फाट मार कहीं देख रही हो बार गोड़ो करो जे बाकी मोह तो दस गो बाकी देव देवता तो बोलिया ही को नहीं। अरे बोले माने कमजोर समझ में जाके माने कमजोर समझ में माने दूसरा मंत्र भी और सुनो और शट गए बदले पंडित जी। बोले चार कूट की अर्थी बनी कोड़ो दियो विचार बींद बचे नहीं बींद नीर गंगा देव पूछाए बोध राम पूछाए बींदनी को बाप लियो पहले से तो सट्टा हो पहला मैं तो भी मैं शुक्री के लिए जहाँ घोषणा कर दियो के फेरा होगा हाथ थोड़ी छूटे होटल पर तो चना गया चार पूरे चावड़ा की प्लेट ले अब साफ चावड़ा की प्लेट ले रहा के बीच में रख दी दोनों जन आमने सामने भेजा चावल का तरीको देखो एक दिन चमची भरे चावल के दूसरी आगे लगा मुठा मुकावे दो चार पता वोटा लग जाए चमची साफ कर फिर मुंडा मुकावे फिर प्लेट में उड़े फिर मुंडा मुकावे मैं कहने बेटे कुर्सियों को भाजी चावल खा रहे हो मजा ले रहे हो। वो बोले रे भाया खा रहे तो चावल ही हाँ पड़े मैं तो कारीगर हाथ को लिपाई की प्रैक्टिस में शादी कर ली आदत पड़ी उनकी छुट्टे थोड़ी पर एक बीत की गाँव में बंदोरी का एक बींद की बंदोरी काट रही मैंने जेवड़े मान मिली जेवड़ो मान मिलो घोड़ी के ऊपर बोले भाई बंदूरी काट रहे हो झांकी बोले काट रहे तो बंदूरी यहाँ बनेगा लखनऊ झांकी बनगी तो क्यों इनका लखनऊ था माड़ा है बोलो हाँ इन्हें बांध रहा क्यों इन्हें वो ब्याह सालों रिपेयर चुकवा को काम करे आदत पड़ी छूटे थोड़ी पंडित जी की थोड़ी पंडित जी बोले घोषणा करते हो अब पंडित जी घोषणा करे बोले सुनो 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 बराती बराती कान खोल सुनो भाई का फेरा संपन्न हो चुका है काल आशीर्वाद समारोह सकलन जिम्बाणु है शाम का 7 बजे और रात का 12 बजे तक को कार्यक्रम है जिम्बा को पर जेब में 5-5, 10-10 रुपये खुला जरूर ले जो बोले महाराज आशीर्वाद सोनो खुला रिपे का ही जरूरत है बोले 9 बजे 10 बजे तक गुरु प्राण की पोती बच्ची भी पर थोड़ा बाप चढ़ सी अति आनंद मस्ती है साहब वो मारे साड़ी की शादी का भाई महिला संगीत छात्री हूँ हमारी घरणी बोली जी बोले अपनी डांस करे ना मैं दूरदर्शन का एंकर कॉलेज लेक्चरर मैं राष्ट्रीय कवि मैं डांस वांस करूँ गुरु बाबू ने देख सके भाई जीजा जी ब्रिगेडियर वह भी तो डांस कर रहे हैं नहीं बोले नाचना पड़ेगा चलो भाई नाच से कौन सो गाणू बोलो ना की लुगाई में वजन है 1.5 क्विंटल हमारी घराड़ी में वजन है 1.5 क्विंटल माल गानू सोनी जी डांस कर रहा है एक बार रात में 2 बजे कवि सम्मेलन कर घर पूछो घराड़ी देख रही सोले फिल्म और उनको सोले तो सुपर हिट फिल्म मेरी भी देखी 2-4 बार और देख से मैडम पर मैं नींद आ रही है तो चाय बना लिया मेरी नींद उठ जाए तो मैं भी सोले जीव देख लूं अब घराड़ी तो किचन में चली गई साहब चाय बना पा मैं सोले फिल्म देख रही हूँ तो नहीं सूतो सूतो कहीं बैठो मेरे सूत मेरी आपकी मम्मी से डर तो सूतो सूतो ही रजाई ने ऊंची कर भी कमाई कर फिल्म देख रही है अरे मैं देखिए छोरों सो गो उसी अब आप सोले फिल्म देखता देखता मेरे को गब्बर सिंह की छाया आवाज आ गई गब्बर सिंह की फिल्म आवाज आ गई लगे जानी मैं गब्बर सिंह हूँ जितना आ रहा रसोई में चाली तभी की बाजे बाज रही है छम 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 सोनी जी जी टाइम का छम छम बाजती अब तो 1.5 क्विंटल की हो रही बात चालने लगा घम 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 छम छम की आवाज सुनी वह गब्बर सिंह की आत्मा और भड़क गई जितना ने वह मेरे को सामने ट्रेलर कर दी बोले चाय मैं वही डायलॉग ठोक दी उनको ए छमिया जरा 2-4 ठुमका हमका भी दिखाई गब्बर सिंह की तरह जरा 2-4 ठुमका हमका भी दिखाई दो मन ने के बेरो रविंद्र की आत्मा छोरम उसमें लिए वो रोता इतना कर बोले बसंती इस कुत्ते के सामने
बाजरा को ढेर में तो किसान परिवार का बोले ये क्या है गजेंद्र भाई हमारा राजस्थान का खाद्यान्न बाजरा बोले कैसे खाते हो तो हम इसको ओपली में डालते हैं घंटे पर मूसल से कूटते हैं फिर इसकी लूप से झड़काते हैं फिर इसकी राबड़ी और खिचड़ा रांधते हैं कच्चा नहीं देखो और बाजरो तरीका से बनावा ऊपर मूसल में कूटा फिर बोले कच्चो भी खा सका हम खार देख दो वो दो एक फाकी मारी भी स्वाद लगे वो बोले यार जब कच्चो स्वाद लगे तो आप मूसल तो कूटो रहे देख फिर दो एक फाकी मारी स्वाद तो लगी फिर यहाँ बोले थे तो बहुत पापी हो नहीं होता था श्रम होनी चाहिए बाजरो खाचो स्वाद लगे फिर भी मुश्किल से जो गुडो यहाँ करता करता वो डेढ़ किलो बाजरो खाई एनी वो रात में तो डेढ़ किलो बाजरा खाया सोई गो पर रात को डेढ़ किलो बाजरा खाया हुआ सुबह टॉयलेट में डेढ़ घंटे तक प्रयास करता रहा बाजरा के तासीर से जानू रात को डेढ़ किलो बाजरा खाया हुआ सुबह डेढ़ घंटे तक अथक प्रयास करता रहा कोई रिजल्ट नहीं निकला निकल पड़ी गर्म लाल चुप और जिये बेटे को खड़े हुए रहे हो अर्रा बोलियो गजेंद्र अर्रा भाई गजेंद्र तेरा बाजरा का तो डोली ठुकवा लाई खेल और और भी लंबी बात है उसके बड़ी मुकाबला कविता से जोड़ू कि मारे सामने कर निकली एक नारी नवी कहीं तो मारा भी स्टूडेंट खड़े थे बेटा बैठ जाओ रोला रपाला मत करो गोचो मत करो गोचो बहुत खतरनाक चीज दिया करे कई स्टूडेंट भी खड़े थे आज मैं भी एक अच्छा प्रतिष्ठान के मायने शिक्षण संस्थान में प्रोफेसर हूँ वो टाइम यहाँ को पहली बार मैं भी कॉलेज में गया स्टूडेंट हो सुन जो मैं पहली बार कॉलेज में गुणा कहीं सीन बने कि मारा सामो कर निकली एक नारी नवेली भेजा नुकसान वो वीडियो सेकंड पूछो को छाड़ो मारे सामो कर निकली एक नारी नवेली चौड़ी जैसलमेर पटवा की हवेली आपने दूसरी चीजें क्यों ध्यान देना आपने इतनी सुंदर चीज है मंडावा की हवेली भी बहुत सुंदर है पटुआ की हवेली बहुत ही ज्यादा सुंदर है क्या कि मारे सामो कर निकली एक नारी नवेली जब नु जैसलमेर पटवा की हवेली तो बीका गोखा देख रहे तो सुदबुद खोदी और कालजा की पीड़ा भी कम रोती बाबू ले रो रोमियो तेरे में तो रेवो ही कुंदी क्यों नॉलेज को तेना ध्यान है का तो पहले ही दिन है कॉलेज को और तेरा ध्यान के लिए बता दी मेरे भाई है पुलिस में सिपाही बिन अभी बुलाऊंगी कराऊंगी तेरी कुटाई मैं बोलियो हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को मैं बोलियो हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को और मेरी तशरीफ है तैयार डंडे खाने को बाते गिरो बापुनिया नहीं छोटे को पिंड तो बुलाई आपके खतरनाक सहीने को झुंड बाता ही आपके चपना खोद की टाट को अभिषेक प्रारंभ करो मैं थोड़ी देर तो नानिए नानिए चिल्लायो आखिर में मैदान छोटे ही सिरू मारा आंसू जा रिया जार जार कपड़ा फाट हो रिया तार तार मुन्ना में निकल रही बार बार और बर रनचंडिया भागरी मारी लाल लाल कहती है जी हमें भागर दो रोज एक हॉस्पिटल पकड़े हो बटे जाता ही मैंने एक कंपाउंडर जकड़े हो वो दस एक इंजेक्शन और पांच एक प्लास्टर ठोक दिया और मैंने पर खाट पर उठ बताने रोक दिया अब घराड़ा पूछी तो बताइए गाड़ी और टक्कर दे लुगाई को मारेड़ो और मेड़ा को हरेड़ो कोई का बाप नहीं बता सके भाई मन लुगाई को वो एक दिन हमारे घराड़ी बोली जी घी लिया और अब को तीन चार दिन पहले तू लिया रही थी बोले तो पदो पावन यार फूफा जी यार बा यार नानू सा यार वो तो घी पूरे खत्म करो वो कुत्ते दिन में कोई घी भी को ना तो हाथ में गलो बुखार दिश रही थी और माथा घुमाई लगे तो उतना मोटा भंबोड़ हो गया मैं पपोड़ तो चौक में गिर था साथ ही गणमान्य नागरिक वहां साथ बैठा वो भंबोड़ और मैं पपोड़ू तो बोले रहा कहीं ही हमको भाया ठोकर लाकर पड़ गो उसको लागी वह बोले थोड़ा घी लगा ले देसी थानादार मेरे स्टूडेंट चलो बीएन छोटो तो दिए कुटे कई काम की मालूम चलो एफ आई आर दर्ज कराओ अब थानादार जिन जा रहे बता बता के बोले साहब अब नहीं नहीं आई मेरे छूट के बस्ती में आदत पड़ी गई पड़ा कुटे चिमटा बेलन से कुटवे लगे रात साहब अद कर दिया मैंने मुशुर तू मारे मैंने मुशुर तू मारे अभी के दर्द भरी कहानी सोना की थानादार पे टप टप आंसू आएगा मैं बोले थानादार जी थे क्यों रो रहा हो तो बोले अरे भाया थे तो आरोप ने रिपोर्ट लिखा दी मैं कुटने को डर कर को लेकर ऊंचा चढ़ चढ़ देखो
अब घर वाला पूछे तो बताइए गाड़ी वालों टक्कर देखो और जातो जातो दो चार माँ बहन की ओर फेंको कहर किया जे मनो पर निकले मारसा ने एक रिश्तो आयो अरे भाया तड़का लड़की देखो चांदनी मन मारला बापू जी बतायो तो अगले दिन में सुटेड उटेड और लड़की वाला का घर आप हो गया लड़की वाला भी माँ की खातिरदारी में तरदन हो गया औपचारिक तमा के बाद एक एकांत कमरे में मारो भी लड़की से मिलने को मौको आयो पट्टी मारे की झटको सो लागो और खतरनाक झोंको आयो बाप कमर का हाथ लगा रहे देसी लेजम बोली अरे बापना मैं ना मेरे पेली वाली भूल गो अरे बापना मैं ना मेरे पेली वाली भूल गो वो लेज मतलब कर ले तो तू तो घर ही हिल गो मैं देख रहा तो भाई कंकाली है मैं उपर खाट कटावाड़ी है जी मेरो रिश्तो इसको पटसी तो मारो तो पूरा जीवन ही खाट पर कटसी पर भाई लोगों मेरी किस्मत का लागो ठोको और मेरो रिश्तो भी सुई हो गई अब मेरो ब्याह हुए सब 8 दिसंबर के दिन भयंकर कड़ाका की ठंड और बिमल आगी मेरा जुकाम जुकाम से सुंगरी हालत क्या की है ना मारे जुकाम लागी जी सारी मारो ब्याह हुए सोनी सी मारे तो काम लागे जी साली मारो ब्याह हुई हो मारो तो होनु ही हो सगड़ा गांव का चाव हुई हो घर क्यों गरीब हो घर क्यों गरीब हो तो गांव का बोले अरे कर्जा को खाटो ही कर लियो अरे घोड़ी की व्यवस्था नहीं तो कम से कम कोई पाटो ही कर लियो घर क्यों गरीब हो तो गांव का बोले अरे कर्जा को खाटो ही कर लियो घोड़ी की व्यवस्था नहीं तो कोई पाटो ही कर लियो कहर किया घोड़ी की व्यवस्था होगी याद रखू जुकाम लगे कहर किया घोड़ी की व्यवस्था होगी मैं घोड़ी पर बैठ चाला तो तोरण को एडो आएगो पटे सासू पहले तो खींचो कान और ना खींचो तो हाथ में मारो तो काम लगे जी सारी मारो ब्याह भी मारो तो होने से मैं काम लगे चाह भी हो घर क्यों गरीब हो तो काम का बोले अरे कर्जा को खाटो ही कर लियो घोड़ी की व्यवस्था नहीं तो कोई पटो ही कर लियो कह कि यार जब घोड़ी की व्यवस्था होगी मैं घोड़ी पर बैठ चला तो तोरण को एटो आएगो पटे सासू नाक पकड़ खींचे तो हाथ में सेटो आएगो अब मैं तोरण पर पुगे तो भी बई सही ला जी के चपलों उठो क्यों लड़के ध्यान लागू जो कोई दादागिरी कर जगह चपलो छोकनो है अब थाके लिए लिखेड़ी मेरी बहन बेटा के लिए कविता आपके नारी सशक्ति ग्रहण के लिए लिखेड़ी कविता है मूल संदेश कहीं है कविता को कि तोरण पर पुगे तो भी कि बे सहेलिया आत्मा आरती लिया खड़ी झिलमिल की बन देखता ही मेरी तो धड़कन बड़बड़ लगी दिल की मैं सोची रे पहली वाली बाकी जाल आज निकाल सी और ये बात सु मारो मुंडो बाल सी पर बिकी मना करी बिचारी बाकी उन करी शादी का आग पर थोड़ी हल्की पुल्की मस्करी करी शादी का अगले दिन मारी घराड़ी बोली अच्छी पिया तो मैं थारे चरणा की दासी हूँ चार पंक्ति हम लास्ट कविता को मैसेज दू शादी का अगले दिन मारी घराड़ी बोली जी पिया तो मैं थारू चरणा की दासी हूँ थारे ऊपर पड़े भजन के बीच की मंडासी हूँ पत्नी भाई ऐसा पति को ऊपर आएगा बाहर ने अपने ऊपर ले ले आपने माथा में वजन घटे तो आप कपड़ा लगा मेरे मंडा से बोलिया करे शादी का अगले दिन घराली बोली जी भैया तो मैं थारे चरणा की दासी हूँ थारे ऊपर बढ़िया वजन के बीच की मंडा सी हूँ पण कहीं करा इन नारी की जाति ने तो सिड़नु है इन नारी की जाति ने तो सदा ही सिड़नु है अब मर्दा की बेसर्मी का कारण माने छिड़नु है अब बात मैंने सोच बतानी मजबूर कर दी मारा दिल ने भावा से भरपूर भर दी कि आ बात सोड़ा ना सांची आज का जमाना कर कुत्ता की जात रोमियो आज का जमाना के कुत्ता की जात रोमियो कोई की बेन बेटी देख रही नहीं चुके और कुत्ता की जिया पुके अरे अपनी राजस्थान के सांस्कृतिक अस्मिता में पढ़ रही हो बहुत ही भीखो अपनी राजस्थान के सांस्कृतिक अस्मिता में पढ़ रही हो बहुत ही भीखो और संस्कृति ने बचानी है तो पहली बेन बेटी की इज्जत करना सीखो पहली बेन बेटी की इज्जत करना सीखो हाँ भाई गजेंद्र कविया हंसता हंसाता एक बहुत बढ़िया संदेश माँ का दरबार में मात्र शक्ति का सम्मान में आपने दियो है कि बात आपने मन तक पूछी हो तो एक बार जोरदार तालियां के साथ आगे स्वागत और निसंदेह नवरात्रा मनानो माँ की पूजा करनो जदि सार्थक होगो जब आप घर में माता को भेड़ा को हर नारी को सम्मान करेंगे जिसकी घर की लक्ष्मी बनकर काम करे रसोई में अन्नपूर्णा माँ के रूप में काम करे हर परिवार पर कोई आफत आवे तो चंडी माँ की जिया आपको सर्वस्व समर्पित कर दे तो भी भवानी को नारी शक्ति को आपा सम्मान करा और आज की संवेदना बड़ी हो है घर परिवार माता पिता गांव समाज सह के लिए बेटा ज्यादा केयरफुल हो ज्यादा देखभाल कर पा रही हो कई भाई सुनील जो जी कहते हैं चार पंक्तियां याद आती है वो कहते हैं चौथी पंक्ति पर थाने भी थारी भाण याद आ जाए भी फिर प्रेम उमड़े बेटी याद आ जाए तो बतायो वो कहते हैं कि नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है बेटी के मन से मर्यादा का भान नहीं जा सकता है और बेटा घर हो तो शायद चूल्हा ठंडा रह जाए पर बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता उस पावन भावनाओं को हम प्रणाम करते हैं हंसी आनंद का पल लगातार अत्ता बिखरिया पड़े है माटी में
और आदमी को रस बदला है बात बात में, चीजा बदला है, कुछ बात को कुन कड़े के अर्थ काल दे, वो बड़ो जोरदार काम है। ये कोरोना काल में मारे वो सारे बाणिया के घर है तो बाकी वो कपड़ा की दुकान तो बंदी गजेंद्र भाई जिको वो मुड़ो भी शेयर बाजार में ही वह ऑनलाइन वायदा बाजार पूछ भरो वह खरीदे मूंगा का ट्रक ऑनलाइन मोबाइल में ही खरीदे मोबाइल में ही बेचे शहरों में तो ध्यान की हुई पक्ष अभी तक 23 लाख को जबेड़ लागू बार तो एक महीना पहले भी टाबर को ब्याह हो जाना बस दूसरे दिन फिर मोड़ गए ना बस आपने सोन का मिश्रा जी या चावल मूंग करिया करे है ना बस सासू तो लाण मनुवार में परूस गारी में बोली बोली कवर साहब मूंग थोड़ा और ले लो बोले पहले लिया को नीर आगे लेशा को नीर गाठा गड़िया है तो मारी तकदीरा का है के बोल मारो हो रही ठीक है क्रूट दूसरा कुछ रह गया तो खड़े जी बात को आदमी कड़े अर्थ काल दे बस सारा आनंद है वो सब तकदीरा को खेल है तू माँ का दरबार में जती हाजरी आपने लाग रही है तकदीर बहुत बड़ी चीज हो मेरे एक बात याद आ गई माँ कविता शुरू करी कोई 15-16 साल को ना मेरे यहाँ कवि सम्मेलन सुनना अरे मेरा बढ़िया लागता था मैं कविता मांडवा लागू यहाँ जिसे आती बाकी बावड़ी पर हमारे बड़े गांव में भी कवि सम्मेलन है चेयरमैन साहब ना मैं भी बड़े बड़ा डायरी ले चल को मुझे एक कविता में नहीं पटवा दियो अब बाकी भी कोई कवि एक आयो को नहीं जो मैं तक ला बोले पढ़ दे तू भी पढ़ दे भैया टाइम पास ही हो गए ना मैं पढ़ी जो मैं दूसरे दिन अखबार में मेरा नाम छपियो साहब क्यारी हिंदुस्तानी ने कविता पाठ किया वो अखबार में ही कोट कोट में ले कोई 150 जानकार दिखाई देखो भाई जी मैं कवि हो गो और मेरा नाम छपे हो सर राजी होया एक बड़ोकड़ो मेरा बेहन गलती बोले मैं राजी हो भाई बात करनी भैया अखबार तो सह घर जाए दुकाना पर जाए अक्षर जगह जाए तो हलवाई है ना जोधपुर मिष्ठान भंडार ए दूसरे दिन ये अखबार का टुकड़ा में जलेबी गाल ग्रह खिले थी वो ग्रह का जलेबी तो खा ले रही फोटो पर नाम पर चाशनी छप जाए हलवाई की दुकान कहना मरेडा सा कुत्ता फिर ना चाशनी पीड़ा और बाड़ उड़ेड़ा वो भी अखबार ने तले गिर दे पछ कुत्ता भी नाम नेर फोटो नेर चाटे पछ तो कहते नाम छप तो भी मेरे रहती आज आज बधाई राजी हो जाओ सुबह पहली तो बाहर फिर बार बताओ बड़े पुष्करमा बड़ो कवि सम्मेलन हो मैं भी मैं गयो मैं बुलायो साहब जब मैं बड़े रात में जीके होटल में मैंने रोके जी आज मंडावा रिसोर्ट में रोके भाई अभी मैं होटल में ही सोए को जी भाई बामण का बेटा सुबह आएगा पुष्कर को नान कर रही चालीस सुबह वो अखबार आयो होटल में जब अभी पढ़ लियो झुंझुनू जिले की हरीश हिंदुस्तानी ने संचालन काव्य पाठ किया फोटो छपी मेरी मैं नहा रहे हो बहुत आनंद से ब्रह्मा जी का मंदिर में हाथ जोड़ रहे हो सुबह सुबह 7 बजे जो मैं देखो बाकी भाई हलवाई गली में दो पतली पतली लंबी लंबी बहुत सोहनी अंग्रेज ने यहाँ भूरा भूरा बाढ़ बाघार जिनसी पेरेडी लंबी लंबी एकदम बठे भी अखबार का टुकड़ा परी मालकू अलेर खाई मैंने वह कोट में मालडो लालियो लालियो चोड़ो और वो दिखे करे पा वहां तो भाई बोल मैं बैठे यहाँ सुनो सो खड़े हो गो को आप आलोकम सो जी रेडो और माज तो आख्या कर नीचे दो गंडक नाड़ काट गई रमास तो आख्या के सामने तीर्था के माय गति खराब होशी भैया ऐ जेरी नहीं रहे दोनों चाटी में पर मैं थाने बताऊं सज्जन जी भाई जी बा पोड़ी अंग्रेज ने विदेश की बन बापड़िया ने बेरो नहीं का चासनी खाबा जी को नहीं हो गए जय हो खा का रगड़ का दे देर फुटू इस दिन मैं मान गो जी भाई तकदीर भी कोई चीज हो गई कोई की फोटो गंडक साट रहा है और कोई की तो इसलिए मंडावा में तो अंग्रेज आता ही रहे थारी भी कोई फोटो छपे तो राजी है तो जिका आनंद का पल है वह अशी बस्तिया अति बिखरी पड़ी है माटी के माए वह सारा पावन पल आपा जीवा और ये मुकाम पर हंसी ठाका की यात्रा जी मन से आप लोग सुन रहे हो छोटी छोटी बात से असाबा को एक बड़ो हुनर रखे आदरणीय वीर जी 40 साल को आने शहर शहर में कवि सम्मेलन को अनुभव है अनुभव बहुत बड़ी चीज है हमारे उनमें जो बड़े कवि उदय प्रताप सिंह जी का एक मुक्तक याद आता है बात आप समझो तो बुजुर्गों जो सम्मान में आपकी तालियां बजे वो बताते हैं अनुभव क्या होता है वो कहते हैं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है नए खेवैये ये ना समझे नदी का पानी उतर गया है ताली कोई बात नहीं भी समझ पावे तो इतना ही बजा दारी अगर पड़ोसी का भेम हो जाए कि यार वो तो समझ आप ही बहुत था दिखा है सारी बात समझ जिका आनंद का पल है बस और मैं भी समझ में आओ तो मैं खुई के पछे ताली बजानी है तो बजा दिया करो पंडित जी श्लोक पढ़े तो आपने सारो थोड़ी समझ में आओ अपने स्वाहा बोले तो आप यहाँ छोड़ दिया कोई भूल बड़े तो बठे आपने कर दे मैं जिका आनंद का पल आपा जी ने हाँ एक बड़ा हुनरमंद आदरणीय वेद जी दादी चाय पीलो थे फट दे मैं बोलू अभी देर बोलू मैंने
अजी बूढ़ा माता जी बीच में चाई नहीं छुड़ानी। आज एक बात और बताऊं मैं थाने गर्भित की आपा कर का हम एक जिला को टाबर उतारो था मेरे यहाँ। मैं धीरे धीरे मैं के मना में 20वां दिन में लगातार अब गणेश चतुर्थी से चालिया हा रोजिना कवि सम्मेलन है काल बड़े शिखर हो परशु बड़े डेगाड़ा जंक्शन है रोजिना तो मैं सागे जिका जिका कवि राना मारो वही परिवार बन जाए यात्रा में गाड़ी में बैठा बैठा 5-4 घंटा तो अब वेद जी से ये आत्मा मिले कोई 8-10 साल पहले की बात है मैं कलकत्ता जाया था ना सुबह सुबह जी फ्लाइट में बैठ गो पछ कोई एक भाई सामान से ऊपर धरियो जन अब बाद दिन में कोई नए की बचाली बस पजामी सी दम में खेम में वेद जी यार थाई दी भू बापड़ी या घुटा पगा में जोड़ पास कर दे सी कदे ही है काफी फेर सी ना ऐ जयपुर का बोले हो आ नई साली सही को नाम लेगी छे लेगी ऐ बताई मन राजी स्वभाव देख रखे माँ वैष्णो देवी का जाया वहां की ना बोले भैया जाओ क्यों को नहीं दई देवता कर मैं नटू थोड़ी और जरूर जाओ थे ना मैं बोले पर जायो सुधिया सुधिया जो दोपहर में रोटिया की टेम पाछी आज माँ सोचे अरे साकमरी जीण माता के सारे जाए वैष्णो देवी अति दूर जाने मारे जड़ा मैं यार करा खड़े पनावा करा ऐ बोले नहीं 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 कदे पैर ले कर ले जाना ऐ बोले बोले सुनो आप कलकत्ता चालता ही भी होटल में अपनी बैग रखे ना चाय पीऊंगा पछम थाने बड़े बड़ा बाजार ले चालूंगा अरे मैं दिरार ले आऊंगा मैं खाकेर सुसरो नाम चोखो भाई पछ बोले बोले आप थाने 3-4 दिराऊंगा और धोला रंग की व्हाइट दिराऊंगा हमें यार व्हाइट को आपने सुहागड़ बागड़ पेरे ही को नहीं बोले उनमर थे समझो को नहीं बीरनी तो कोट की एक दो बार पेरे की पता शाड़ा में धोती का नीचा मैं पेरे वो करूंगा तो हमें यह का तो काकेर सुस्करा मिले हैं आपने okay. बड़ो पाच ही लेगो आगी तो यह का गर्भित का प्रेम हो गया हमारा ऐ भाई वेद जी है जिगा मतलब ये तो जिगा आनंद का पल है बहुत छोटी छोटी बात से अद्भुत सभा को उन्नर रखे और कभी तो खाली फुंडा सा कविता पढ़े वेद जी को रोम रोम कविता पढ़े पूरा रोम रोम थे या सोचो या लागे तो कविता पढ़े वेद जी बिया का अद्भुत कवि देश का बड़ा कवि आदरणीय वेद प्रकाश जी दादी आपने बीच है वो साफो बरार थे बहुत बढ़िया काम करे उठिया दशा मरकरिया लाग रही है वो पड़को पटर मारे तो आधा शिशी तो काम थे बहुत बढ़िया के एक बार सारो सदन जोरदार ताड़िया की गड़गड़ाहट के साथ।